हमारी फीमेल जो एनी है ये फीड करा रही है अपने बच्चों को सबको। और ये रे छोटे स्टार, अरे भाई 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 भाई, सबके लिए मेरे पास सरप्राइज है। ये आप सब देख सकते हैं, ये रहे माशाल्लाह से, ये रहा हमारा सॉफ्ट फूड, ये रही हमारे उसमें लब्बर्स हमारा खाते हैं वाले। ये हम अपने पेट्स की कैसे केयर कर सके, कैसे उनका बोर्सीड है, कुसुम दाना है, कंगनी है। और अस्सलाम वालेकुम खवातीन हज़रात, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की जो वीडियो होने वाली है बहुत ही यूनिक और बहुत ही डिफरेंट होने वाली है, क्योंकि आज माशाल्लाह से मेरे पास आप सब के लिए एक सरप्राइज है, वो ये बहुत ही यूनिक सरप्राइज है। तो जैसे कि आप सब ने थंबनेल और टाइटल देख के तो समझ ही गए होंगे कि ये क्या सरप्राइज है आप सबके लिए। तो माशाल्लाह से हमारे पास जो पर्शियन कैट थी जिसका नाम था रॉकी और एनी, माशाल्लाह से उनके बच्चे आ चुके हैं, किटन्स ये बेबी आ चुके हैं। और हाँ, आप सब ने मुझे कमेंट करके ये बोला था कि भाई अब डेली व्लॉग्स लाओ अपने मिनजू के बारे में, उनके रूटीन के बारे में बताओ कि हम उनसे किस तरह ब्रीडिंग लें, कौन कौन से फूड दें, सर्दी में गर्मी में किस तरह का उन्हें फूड दें, कैसे ब्रीडिंग लें। तो मैं आज आप सबके लिए स्पेशली हर चीज़ आपको डिटेल में बताऊँगा। तो ज़्यादा देर नहीं करते, तो हम चलते अपने मिनजू की तरफ। 3, 2, 1। तो हम मिनीज़ू की तरफ आ चुके हैं, तो मैं आप सबको अंदर लेके चलता हूँ मिनीज़ू के अंदर, और अपने जो हमारे पास पर्शियन कैट्स के बेबीज हैं वो आपको दिखाता हूँ और बर्ड्स दिखाता हूँ और उनको रूटीन के बारे में बताता हूँ। तो चलिए मेरे साथ चलते हैं मिनीज़ू के अंदर। तो फर्स्ट आप सबको मैं सबसे पहले दिखाता हूँ हमारे पास पर्शियन कैट कौन कौन सी है। जैसे कि आप देखते हैं हमारे पास ये रहा हमारा मेल रॉकी, जो हमारा ये है माशाल्लाह से, ये मेल है। और इसी की मैं फीमेल्स, और मैं आपको इसकी फीमेल और इसके किटन्स दिखाता हूँ। और तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे हैं इसके बच्चे, और ये रही हमारी एनी, माशाल्लाह से देख सकते हैं फीड करा रही है अपने बच्चों को। और ये रहे छोटे स्टार, अरे भाई 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 भाई, चलो भाई चलो फीड करा दो ना अच्छे से। तो मैं आप सबको डिटेल में दिखाता हूँ। तो पहले मैं अपने बर्ड्स का फूड और जो उनका इक्विपमेंट्स है, सॉफ्ट फूड सब चीज़ें, मैं आपको वो बता देता हूँ। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट, 3, 2, 1। तो मैं आप सबको बर्ड्स के दिखाता हूँ, क्योंकि मैं सबसे पहले क्या करता हूँ बर्ड्स के सेटअप पर आके। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर से ये जो उनका कंगनी का बॉल होता है ये निकालता हूँ, और मैं सारे केजेस में से बॉल्स निकाल लेता हूँ, मैं आपको भी बताता हूँ। ये सारे क्लीन होंगे, ये बजिस के हैं दोनों बॉल्स, और ये हमने कॉकटेल का निकाला है, और इसके नीचे लबर्ड्स हैं। और अब हम इसको फर्स्ट मेरा जो काम होता है सबसे पहले इन्हें क्लीन करना। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसके अंदर छिक्कल पड़े हैं बहुत सारे, तो पहले फर्स्ट इसको क्लीन करना होता है। उसके सेकंड बाद मुझे इनके सॉफ्ट फूड रखना होता है, और थर्ड उसके बाद इनके जो पानी के जो डिस्पेंसर है वो क्लीन करना होता है। तो जल्दी जल्दी करते हैं, आइए मेरे साथ। तो हमने सारे बर्ड्स का जो उनका दाना है वो सब क्लीन कर दिया। जैसे कि आप देखते हैं ये हमारे बजिस की कंगनी है, जब हमने पूरी क्लीन कर दी। ये हमारा लबर्ड्स का जो मिक्स सीड होता है हमने वो भी क्लीन कर दिया। कॉकटेल का ये रहा, हमने सारे बर्ड्स का ये जो रॉ फूड होता है सूखा फूड वो सब क्लीन कर दिया है। अब हमें बजरी को सॉफ्ट फूड देना, तो मैं आपको वो दिखाता हूँ। तो मैं अपने बर्ड्स को जो अपने सॉफ्ट फूड देता हूँ, मैं आप सबको दिखाता हूँ क्या क्या देता हूँ। कैरेट, गाजर जो हो गई, खीरा हो गया अपना, और ये रहा धनिया। अब गर्मी आ चुकी है तो अब ठंडी चीज़ें देनी चाहिए अपने बर्ड्स को, तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे देता हूँ। तो हमारा खीरा तो ये रहा। तो हम सबसे पहले सारी वेजिटेबल्स जो है हम सारी धो लेते हैं। तो हमने अपना सारा जो बर्जिस का बर्ड था सॉफ्ट फूड था हमने रेडी कर लिया है, तो हम उसको बर्ड्स को डालेंगे और तो मैं आप सबको दिखाता हूँ, आइए मेरे साथ। तो हमने अपने सारे बर्ड्स की प्लेट्स और उनके वाटर डिस्पेंसर सब धो दिए, तो अब आपको मैं दिखाता हूँ सॉफ्ट फूड कैसे रखते हैं, क्या क्वांटिटी में रखते हैं, सब चीज़ समझाते हैं। ये रहा हमारा सॉफ्ट फूड, ये रही हमारी गाजर। तो हम पहले इसके अंदर थोड़ा सा गाजर इस वाली प्लेट में डालेंगे। ये हमारी बड़े वाली बजरी है जिसमें एडल्ट पेड़ हैं सारे, और ये हमारा कॉकटेल के लिए, ये छोटी वाली प्लेट जो है हमारे लब्बर्स के लिए वाली, थोड़ा सा खीरा इसमें ऐड कर देंगे, दो स्लाइस इसमें खीरा ऐड करेंगे। ठीक, कॉकटेल के लिए भी, कॉकटेल ज़्यादा नहीं खाते हमारे, एक ही रखेंगे उसमें, लब्बर्स हमारा खाते हैं वाले, इसको ज़्यादा नहीं देंगे क्योंकि अभी इससे ये ज़्यादा ठंडा होता है, तो ज़्यादा नहीं देंगे अभी हम इन्हें, थोड़ा थोड़ा हर किसी के प्लेट में रख देंगे।
ये हमारा कॉकटेल के लिए हो गया। तो हमने सारे बजीज और बर्ड्स के लिए हमने सब ये सॉफ्ट फूड रेडी कर लिया है। तो मैं आपको दिखाऊंगा इसे अंदर रख के। जैसे कि आप देखते हैं खीरा है, गाजर है और धनिया है इसमें। तो उसको अंदर लेके चलते हैं, मैं आप सबको दिखाता हूँ अंदर कि बर्ड्स को कैसे देते हैं। आइए मेरे साथ। तो हम सारे बर्ड्स को अंदर दाना रख देते हैं। ये हमारा हेलीकॉप्टर बजीज के लिए, ये आप देखते हैं, मैं आपको पास से दिखाता हूँ, दिखाओ। ठीक है, देखते हैं। हम अपने हेलीकॉप्टर बजीज के इसमें रख देते हैं पहले। ये आप सब देख सकते हैं, हमारे पास हेलीकॉप्टर बज रही है। आपको वो दूसरे बर्ड्स दिखाता हूँ। तो हम ये कॉकटेल के उसमें भी रख देते हैं अलग फूड। ये देख सकते हैं हमारे पास कॉकटेल भी, अंडे पे रहे हैं अभी इन्होंने, इसके अंदर अंडे दे रखे हैं। मैं आपको अब लबर्ड्स दिखाता हूँ। लबर्ड्स के इसमें भी रख देते हैं हम, जैसे कि ये रखा है हमने यहाँ पे, और हम ये वाला भी रख देते हैं बजरी के इसमें। अब देख सकते हैं यहाँ पे माशाल्लाह से बजरी है, इसमें मिक्स है, जावा भी है और बजरी भी है। तो जैसे कि हमने ये यहाँ रख दिया इसके अंदर, और जैसे कि यहाँ पर हमने जिसके अंदर एडल्ट पेड़ है सारे हमने यहाँ पर भी रख दिया। जैसे कि आप देखते हैं खाने के लिए आ रहा, देखिए। तो हमने बर्ड्स के जितने भी बॉल्स थे और उनके जो डिस्पेंसर थे क्लीन कर दिए। तो मैंने आप सबको दिखा दिया सॉफ्ट फूड रखे कि कौन कौन सा सॉफ्ट फूड देना होता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो ड्राई सीड होता है ना, मैं आप सबको वो दिखाता हूँ कौन सा होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये पास से दिखाइए ना, ये कंगनी है, देख सकते हैं सारी है। ये कंगनी है, इसके अंदर मोटी कंगनी भी बारीक कंगनी दोनों मिक्स है इसके अंदर, देख सकते हैं। और आप सबको दिखाता हूँ इसे बजरी के अंदर कैसे रखते हैं। यह सब देख ली है, इसके अंदर कंगनी डाल दी हमने। इसके अंदर अब थोड़ा सा मैं मिक्स सीड डाल लेता हूँ। इस मिक्स सीड के अंदर देख सकते हैं सनफ्लावर सीड है, कुसुम दाना है, कंगनी है और आपका मूंगफली के दाने हैं। तो हम इसे बजरी के उसमें थोड़ा सा बहुत ऊपर से स्पार्कल कर देते हैं, देख सकते हैं। और हम इसको बजरी के केज में भी रख देते हैं। तो जैसे कि आप सब देख सकते हैं कॉकटेल का और बजीज का कैसा मिक्स सीड रखते हैं, मैं आपको बताता हूँ। तो हम पहले थोड़ी सी कंगनी थोड़ी साइड डाल देते हैं, और उसके बाद जो मिक्स सीड होता है इनका वो एक तरफ ही डाल लेते हैं। लबर्ड्स का है और सनफ्लावर सीड ये रहे हमारे, ये हमारे कॉकटेल का है ये वाला दाना। मैं आपको लबर्ड्स के इसमें भी सेम ये रखना होता है। तो अब जल्दी जल्दी से बजीज के और पैरट्स के जितने भी उनके सीड्स और उनका वाटर डिस्पेंसर रखते हैं, फिर मैं आपको पर्शियन कैट दिखाता हूँ, उनके बेबीज दिखाता हूँ और उनका फूड के बारे में आप सबको डिटेल में बताता हूँ। तो जल्दी जल्दी रखते हैं। आपको मैं पर्शियन कैट्स के बारे में बताता हूँ कि मैं सबसे पहले अपने सेटअप करके पर्शियन कैट्स का कौन सा जो रूटीन है वो फॉलो करता हूँ। सबसे पहले मैं अपने कैट्स से करता हूँ कॉम। आपके पास हमेशा दो कॉम अवेलेबल होने चाहिए, एक तो सिंगल ब्रेसल्स वाला होता है और एक लॉन्ग ब्रेसल्स वाला होता है। जिसके लॉन्ग कैट हेयर होते हैं तो वो भी यूज़ कर सकता है, और जिसके छोटे हेयर हैं वो भी यूज़ कर सकता है। तो हम सबसे पहले प्रेफरेंस ये वाला करते हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह करते हैं। तो जैसे कि आप सब देख सकते हैं ये रही हमारी पर्शियन कैट्स रॉकी। इसके सबसे पहले हम कॉम करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह करते हैं। ये देख सकते हैं बड़े आराम से करवा लेता है कॉम ये। तो देख सकते हैं इसके टेल पे यहाँ से करना चाहिए हमेशा कॉम। तो हमने इसके कॉम कर दिया है, तब हम फीमेल के कॉम करते हैं, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। जैसे कि आप सब देख सकते हैं मैंने इसको कॉम करा था, तो अभी देख सकते हैं पीछे इसका बटन होता है, बटन दबा देना तो ये जो उसके आगे के हेयर है ये ऐसे बाहर आते सारे। मैं आपको अब दूसरी फीमेल का करके दिखाता हूँ। तो आपके मैं फीमेल के करके दिखाता हूँ, जैसे कि देख सकते हैं या देख सकते हैं माशाल्लाह से बड़े प्यार से आराम से करवा लेती है ये, देख सकते हैं। तो आपको इनका फूड और इनके जो लीटर वगैरह होता है सब, तो आपको वो दिखाता हूँ। तो आप सबको पर्शियन कैट्स के फूड के बारे में बताता हूँ। फूड दो वैरायटीज होते हैं, एक होता है ड्राई फूड और एक आता है वेट फूड। आपको डेली चाहे आपके पास बर्ड्स हो या कैट्स हो, आपको उनको ड्राई फूड भी देना है और वेट फूड, मतलब गीला भी देना और सूखा वाला भी देना। तो मैं आप सबको दिखाता हूँ सूखे में कौन सा वाला होता है। जो बिस्किट टाइप्स होते हैं इसे बोलते हैं ड्राई फूड, ये देखते हैं। और मैं आप सबको दो ब्रांड बता रहा हूँ जो सबसे बेस्ट ब्रांड होते हैं। एक है रॉयल कैनिन, बढ़िया थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, और दूसरा है मियाऊ का, जो रीजनेबल प्राइस में बहुत अच्छी क्वालिटी होता है, बहुत अच्छे ब्रांड है। मैं खुद अपने प्रेफरेंस से आपको बता रहा हूँ रॉयल कैनिन और मियाऊ। तो मैं आप सबको दिखाता हूँ, ये ड्राई वाला है पहले, मैं आपको
ये दिखा देता हूँ, और मैं आपको बताता हूँ ये रहा मियाओं का ग्रेवी वाला। जो वेट फूड आता है दो वैरायटीज में आता है, एक आता है अपना ग्रेवी फॉर्म में, इसके अंदर ग्रेवी होती है एक तरह की, और एक आता है लिक्विड फॉर्म में। तो आपके पास दोनों अवेलेबल होने चाहिए कैट्स के लिए। तो मैंने रात या लिक्विड वाला डाला था, तो मैं ग्रेवी वाला डालूंगा। आप सबको दिखाता हूँ मैं ये किस तरह होता है, जैसे दिखाता हूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ ग्रेवी वाला, जैसे देखते हैं ग्रेवी फॉर्म में होता है बिल्कुल, और बहुत ही मतलब इसके अंदर रियल होता है, मतलब फिश भी होती है, चिकन भी होता है, जैसे कि आप देखते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कैट्स के पास किस तरह देते हैं, आप दिखाता हूँ, खोल के दिखाता हूँ। तो ये रहा हमारा रॉकी, जाओ आप देखते मछले थे हमारी यानी आ गई खाना खाने के लिए। तो मैंने आपको फूड्स के बारे में तो बता दिया और उनके क्लीनिंग के बारे में बता दिया, तो अब आपको मैं बताता हूँ जो उनके लीटर होता है उन्हें किस किस तरह रखना होता है, कौन सा टब चाहिए होता है, मैं आपको बताता हूँ। देखो टब ना बहुत तरह के आते हैं, प्रेफरेंस आपको मैं करूँगा ये आप ये वाले टब लिया करें। इसके अंदर ना दो वेराइटीज़ होती है, एक तो इसके ऊपर ये कैप लगा होता है, ये बड़ी कैट के लिए भी यूज़ होता है, छोटी कैट के लिए भी यूज़ होता है। तो मैं आपको क्लीन करके दिखाता हूँ किस तरह होता है। ये अपना स्कूपर होता है, इससे आप ये नॉर्मल क्लीन कर सकते हैं, और यह सब दे सकते हैं। मैं आपको क्लीन करके जल्दी जल्दी दिखाता हूँ, क्लीन करके तो बता दिया हमने इसे क्लीन कर दिया है। तो मैं इसके अंदर ना थोड़ा रीफिल कर देता हूँ, उसमें थोड़ी सी सैंड कम हो गई है, तो इसके अंदर मैं दोबारा रीफिल कर देता हूँ। और आप जब भी प्रेफरेंस करो, जब भी आप सैंड लेने जाओ, मैं आपको दिखा देता हूँ पास से, जिसका सॉइल जो होता है ना ये देख सकते हैं, ये मोटे थोड़े दाने होते हैं, कई बार इसके अंदर थोड़ी रेड टाइप सी भी आती है, वो मत प्रेफरेंस करना। आप ट्राई करना जिसके अंदर थोड़े रॉक साइड होते हैं ना, वो लेना आपको। मैं रीफिल कर देता हूँ थोड़ा बहुत इसमें, देखते हैं। तो हमने इसे अंदर रीफिल कर दिया, अब आपको मैं अंदर की क्लीनिंग दिखा रहा हूँ और बाहर की जो क्लीनिंग करके दिखाता हूँ। फिर मुझे अपने प्लांट्स जो देख सकते हैं आपने रख रखे हैं, इसके अंदर पानी वगैरह देना है, तो मैंने थोड़े से एक फार्मिंग टाइप सा बना रखा है इसके अंदर वेजिटेबल। मैं आपको स्पेशल चीज़ दिखाता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे टमाटर का है, या पास देखते हैं टमाटर का पौधा भी है। तो मैंने थोड़े से एक फार्मिंग टाइप सा बना रखा है, इसके अंदर वेजिटेबल्स भी हैं, तो मैं आप सबको वो भी दिखाता हूँ। तो पहले मैं रख देता हूँ, तो आप सबको मैं अंदर की क्लीनिंग करके दिखाता हूँ। वैसे तो मैं इससे वैक्यूम क्लीनर से करता हूँ ज़्यादातर, वो अंदर रखा हुआ है। जब मैं वैक्यूम क्लीनर तब यूज़ करता हूँ जब ज़्यादा मैं डीप क्लीनिंग करता हूँ ना, बिल्कुल इनकी सारे बर्ड्स की क्लीनिंग करता हूँ तब वैक्यूम क्लीनर यूज़ करता हूँ। वैसे ज़्यादातर मैं इससे मॉप से साफ कर लेता हूँ मैं। हमने सारी क्लीनिंग तो कर दिया, अब हमें पौधों में पानी देना है, तो जल्दी दे देते हैं। तो आपको मैं अपने पूरा सेटअप का टूर देता हूँ, और आपको पर्शियन कैट्स के बेबीज और बजीज के भी और कॉकटेल के भी लवबर्ड सबके आपको बेबीज दिखाता हूँ आप सबको। आइए मेरे साथ, तो मैं आपको सबसे पहले पर्शियन कैट्स के दिखाता हूँ। तो जैसे कि आप सब देख सकते हैं पास से, मैं आपको दिखाता हूँ हमारी जो फीमेल एनी है, देख सकते हैं माशाल्लाह से ये अपने बच्चों को फीड करा रही है, और ये कि पता नहीं कहाँ घूम रहा है। इधर आओ भाई, छोटे सा इधर आओ भाई, बिल्कुल माशाल्लाह से छोटा था। आप सब कमेंट में माशाल्लाह लिख दिए, देख सकते हैं छोटा था, मैं इसकी मदर के पास इधर छोड़ देता हूँ, देखते ही अपनी माँ के पास जा रहा है, ये भी देख सकते हैं। तो आप सब देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही प्यारे हैं सारे। और अगर आपको इनकी डेली अपडेट चाहिए हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, मैं आपको डेली अपडेट्स दूँगा इन सबकी। और आप इस कमेंट में भी मैंशन कर देना, मुझे बता देना कि आपको डेली अपडेट चाहिए। तो देख सकते हैं सारे माशाल्लाह से, ये हमारी कमेंट में माशाल्लाह ज़रूर लिख देना। तो आपको मैं बजीज के बच्चे दिखाता हूँ, आइए मेरे साथ। तो आपको मैं बजीज के बच्चे दिखाता हूँ आपको, आइए। तो मैं आप सबको पास से दिखाऊंगा इन सबको, ये आप सब देख सकते हैं, ये रहे माशाल्लाह से बजीज के बच्चे, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और इसके अंदर और भी है माशाल्लाह से, मैं आपको वो भी निकाल के दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं एक और ये रहा माशाल्लाह से। अभी आपको मैं सब मटकी में दिखा सकता हूँ, मगर सब अब मटकी में अपनी मदर उनको फीड करा रही हैं। तो मैं आपको सबसे छोटा बच्चा दिखाता हूँ, इसके अंदर बिल्कुल एक छोटा सा बच्चा भी है, मैं आपको पास से दिखाता हूँ। तो जैसे कि आप देखते हैं रेड आइज में है, ये देख सकते हैं बहुत ही प्यारा लग रहा है माशाल्लाह से, आप देख सकते हैं। मैं आपको लबर्स के दिखाता हूँ मेरे साथ, मैं आपको लबर्स दिखाता हूँ। तो आपको मैं लबर्स दिखाता हूँ अंदर से, देख सकते हैं बिल्कुल पास से दिखाता हूँ, ये रहे हमारे लबर्स इसके अंदर, देख सकते हैं। और यहाँ से देख सकते हैं आप, ये माशाल्लाह से रोज़ ही लबर्स हैं सारे,
तो जिस किसी को भी अगर कोई सा ही बर्ड्स या पेट्स अगर चाहिए, पर्सन कैट भी चाहिए, स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहा होगा, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मुझे व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। तो अब आपको मैं दूसरे बजीज और कॉकटेल दिखाता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास बजीज भी हैं, इसके अंदर लबर्स भी है और जावा भी है। जैसे कि आप देख सकते हैं वो सामने बैठी जावा और यहाँ बैठा जो लबर्स, इसके अंदर मैंने मिक्स कर रखे सारे। इसके अंदर रेनबो भी है, हॉलैंड भी अपनी, और इसके अंदर रेड आइज में भी अपनी है नीचे बैठी, देख सकते हैं आप ये। और माशाल्लाह तो बहुत ही खूबसूरत है। तो मैं आप सबको कॉकटेल दिखाता हूँ, आइए बैठ साथ। जैसे कि आप सब देख सकते हैं, मैं आप सबको कॉकटेल दिखाता हूँ। देख सकते हैं आप ये सारे माशाल्लाह से कॉकटेल हैं, लोटीनो कलर में देखते हैं। ये रहा मेल, ये फीमेल, ऊपर भी देख सकते हैं एक फीमेल ऊपर और बैठी है, और इसके अंदर भी एक अंदर बॉक्स के अंदर भी बैठी है, मैं आपको दिखाता हूँ, देख सकते हैं। तो उम्मीद है आप सबको वीडियो अच्छी लगी, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और यहाँ से सब्सक्राइब भी कर देना यहाँ से। और अगर आपको ऐसी डेली ब्लॉग्स अगर चाहिए तो कमेंट में मुझे बताना, और कोई से ही बर्ड्स की आपको अगर डिटेल्स चाहिए हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, मैं आप सबके कमेंट्स का रिप्लाई दूंगा मैं। तो मिलते फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। बाय।